नजदीक नर्मदा के पौराणिक तट धाराजी घाट पर पिछले दिनों प्रशासन ने संतों द्वारा निर्मित नर्मदा परिक्रमा वासियों के आश्रय स्थल को ध्वस्त कर दिया, जिसका क्षेत्रवासियों के साथ साथ संतों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। संतों का कहना है कि धाराजी घाट पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गई है, परंतु नर्मदा परिक्रमा नहीं। वर्षों पूर्व ब्रह्मलीन संत केशवदास जी महाराज द्वारा जन सहयोग से निर्मित धर्मशाला को तोड़ना जनता की आस्था पर प्रहार है। संतों ने धर्मशाला के पुनर्निर्माण और सुव्यवस्थित स्नान घाट बनाने की मांग शासन से की है। इन केशवदास जी त्यागी महात्मा ने इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में प्रत्येक भक्त से एक एक रुपया इकट्ठा करके और इस धर्मशाला को बनाया था, ताकि कोई भी यहाँ पर परिक्रमावासी आए और रुके, यहाँ से निकलने वाले व्यक्ति को छांव मिलती थी और यहाँ पर उसे विश्राम की व्यवस्था हो जाती थी। रात में भी यदि कोई परिक्रमावासी यहाँ आता था तो यहाँ रुकने की उसकी व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आचार संहिता की आड़ में प्रशासन ने इसे तोड़ दिया गया, और प्रशासन के द्वारा ये जो किया गया यहाँ पर तोड़ा फोड़ी, उससे आम लोगों को बड़ी असुविधा हुई। परिक्रमावासियों को भी रात में रुकने में यहाँ पर बड़ा कष्ट होता है। यदि ये धर्मशाला ऐसी की ऐसी रहती तो यहाँ पर कई लोगों को लाभ मिलता। धर्मशाला तोड़ने के बाद में यहाँ जो ये मलबा पड़ा हुआ है, ये भी हवा आंधी के साथ में किसी दिन ढहेगा और आने वाले समय में कोई बड़ी घटना यहाँ पर होगी घटेगी। पुनराय जो जो अन्याय काम कर लिया, जो औरंगजेब का काम किया, अभी जो काम कर्म कर दिया, ये औरंगजेब को शरण करा रहा है। ये इसको पुनर्निर्माण और हर नहाने वाला को, पुण्यार्थी को प्रेम से प्यार से नहाने का लिए व्यवस्था करा देना, परिक्रमावासी को ठहरने का व्यवस्था करा देना।